क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते हैं। आपने कई भक्तों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान के सामने रोने लगते हैं तो उससे क्या होता है? आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते, लेकिन घर में भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर जाना और झुकना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहने का क्या मतलब होता है? भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भगवान के पास रोने का ये मतलब होता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। वही तो कहा जाता है कि भगवान के सामने रोने वाला कभी दुनिया के सामने नहीं रोता।